साथियों नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झांसी की बात करने जा रहा हूं। झांसी के अंदर देखा जाए तो सामने देख सकते हो जल संस्थान कर्मचारी यूनियन शाखा, जो कि देखा जाए हर साल की भांति आखिरकार जल संस्थान क्यों ये परेशान रहते हैं, ये कर्मचारी एकता क्यों परेशान रहते हैं जल संस्थान से, मैं आप सभी को बता दूं। साथियों सभी बैठे हैं, कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारी बैठे एवं सभी कर्मचारी बैठे, मैं आपको सर्व बता सकता हूँ सभी कर्मचारी इकट्ठे बैठे, इसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, इसमें अनेक लोग इस अनशन पर शामिल है। जानते हैं कि ये किस बात का अनशन कर रहे हैं, इससे पहले भी ये परेशान रहे थे अपने वेतन को लेकर। मैं जानता हूँ यहाँ के पदाधिकारी से जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्यों अनशन पर बैठे हैं। सामने देख सको 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक इनका अनशन चल रहा है। जानते हैं कौन कौन सी इनकी मांगे आखिरकार पूरी क्यों नहीं हो रही, राज्य मिलते हैं पदाधिकारियों से और जानते हैं कि आखिरकार क्या है इनकी मांगे, क्यों आज अनशन पर इतनी भीड़ के साथ पूरे कर्मचारी बैठे हैं। भाई सर नमस्कार। नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ आप आखिरकार आप लोग की परेशानी क्यों होती है, इससे पहले भी देखा जाए वेतन के लिए भी परेशानी का सामना झेलना पड़ा, फिर आज अनशन की जरूरत आ गई, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों को 4 माह से वेतन नहीं मिला जी। हमारे यहाँ जो डेली बेसिस का ठेकेदारी का कर्मचारी है उसे 6-6, 8-8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। राज्य सरकार से ग्राम विकास विभाग से इस विभाग को अनुदान आता था 40-50 करोड़ रुपए, जो 2 वर्ष से नहीं दिया जा रहा है। 25% भी पैसा 2 वर्ष में नहीं मिला, इस वजह से वेतन की दिक्कत है। वसूली से वेतन बट रही है तो वो वसूली हमारे पास कुल 17-15 करोड़ की है वर्ष भर में, खर्चे हमारे यहाँ 30 करोड़ हैं। रिटायरमेंट कर्मचारी हो गए, उनका GPF लेजर में तो एंट्री दिख रहा है लेकिन वास्तविकता में किसी खाते में पैसा जमा नहीं है। कौन खा गया, क्या खा गया, पिछली बार इन्हीं कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे अगर GPF खप गया है या कहां खर्च हो गया, पेंशन अंशदान का कोई पता नहीं, छुट्टियों का पैसा नहीं मिल रहा। रिटायरमेंट कर्मचारी भी बहुत परेशान है, उन्हें पेंशन भी समय से नहीं मिल पा रही। अच्छा आप बता सकते हो इससे पहले भी गर्मियों में भी आप लोगों ने अनशन किया था बहुत ज़बरदस्त की तरह, आज फिर आप लोग अनशन पर बैठे हुआ कर क्यों नहीं हो रही आपकी मदद? हमारे महामंत्री जी, मंडलीय महामंत्री जी ने बताया है 4 माह से वेतन नहीं मिला है और आगे स्थिति और दयनीय होने की स्थिति है। सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन, जल संस्थान प्रशासन या DM आयुक्त महोदय, बराबर 1.5 साल से हम बराबर मिल रहे हैं। पिछली दीपावली में नगर विकास मंत्री आए थे, 1.25 लाख दिए जलाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन हमारे घरों में दिए नहीं जले थे, हमारी वेतन नहीं मिली थी। इस दीपावली पे भी वेतन नहीं मिली, किसी को 2,000 रुपये दिए गए, किसी को 5,000 रुपये दिए गए, हम लोग त्रस्त हो गए। सिर्फ जनता को देखते हुए, हमारी जनता को परेशान करने की मंशा नहीं है, जनता में कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, पानी जैसा मामला है उसको देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जल संस्थान प्रशासन या शासन कोई नहीं सुन रहा हमारी, और 2 कर्मचारी तो अभी इलाज के अभाव में मर गए हैं। उसके बाद पेंशन भोगी जो है उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है और ग्रेजुटी का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग कल हमने धरना दिया था, आज से किरमे कंसन शुरू हो गया है और 30 तारीख को मसाल जुलूस ले जाएंगे DM कार्यालय पे। उसके बाद 1 तारीख को हम लोगों की मंशा सप्लाई बंद करने की है और जनता से भी अपील है कि हमारा सहयोग करें। भाई साहब ये समस्या आखिरकार झांसी में ही होती है कि इससे अनेक जिले UP के हैं, ये झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल की समस्या है। इन्हीं को पैसा मिलता था ग्राम विकास से और आखिरकार सुनवाई नहीं होगी तो क्या कौन सा कदम उठाओगे? वो आप जलापूर्ति बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे, काम नहीं तो दाम नहीं तो काम नहीं, क्या करेंगे? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आप लोग की वेतन नहीं मिल रही? 500 कर्मचारी कम से कम पूरे मंडल में है। और ये सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, जो राज्य सरकार घोषणा करती बोनस का, वो आज तक बोनस दीपावली में बांटना चाहिए, वो आज तक नहीं बांटा महाप्रबंधक जी ने। भाई हमारे मुखिया महाप्रबंधक है, महाप्रबंधक को अपनी सरकार से बात करना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने कि ये मनसा समझ नहीं पा रहे हम कर्मचारी नेता कि आखिर जी शासन में क्यों बात नहीं कर पा रहे, मंडलायुक्त जी से क्यों बात नहीं कर पा रहे। हमारा कर्मचारी इस समय कर्ज में डूब गया है, 10% 15% पे आदमी अपने बच्चों की फीस, दूध का पैसा या अपने परिवार का खर्चा इस तरीके से चला रहा है, लेकिन हमारे महाप्रबंधक जी फिर भी आज जी चुपचाप बैठे हुए हैं। आज तक ना तो उन्होंने शासन में क्या बात हुई उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया,
या शासन क्यों पैसा नहीं दे रहा, ये उन्होंने आज तक हम लोगों को नहीं बताया। हमारा आंदोलन अनवरत चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हम पूर्णतः सप्लाई फेल कर देंगे, कर्मचारी काम करना बंद कर देगा। और हम चेतावनी आज देते हैं सारे कर्मचारी मंडल के जो भी कर्मचारी है कि कर्मचारी सड़कों पर भी उतर जाएगा तब सरकार सुनेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं।